24,500 का भाई चलान पुलिस वाले ने पकड़ा था। क्या रिएक्शन था पुलिस वालों का भाई? वो बस ये कह रहे इसमें करा क्या रखा है। सबसे पहले इसका नंबर देखो भाई, ये कार आपने इसमें लिखवाया हुआ है या कैसे? ये नंबर प्लेट में ऑटोमेटिक में ये क्या क्या मोड है एक बार थोड़ा सा बताओ। ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, पूरे ड्राइव, और भाई ये मैनुअल में चलानी हो तो प्लस माइनस गियर। बहुत ही जल्द ना भाई हम पंजाब आ रहे हैं, किसी भाई को अगर शूट वगैरह करवाना हो तो भाई मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, शूट वगैरह सब फ्री होते हैं। और भाई पब्लिक तो वीडियो बना रहा है, कोई पूछ रही है, पब्लिक को लगता है कि ये पेंट करा रखी है मैंने, रैप नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप करता हूँ सब बढ़िया होगे और मस्त होगे। तो गाइस आज की वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं भाई अल्टो K10। तो भाई ये रही नार्डो ग्रे अपनी रहने वाली है, बहुत बढ़िया भाई ने तैयार कराई हुई है। तो भाई एक बार कैमरे में आ जाओ भाई आगे सामने। तो कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। क्या नाम भाई आपका? भाई वासु। वासु नाम है भाई का। हम भी बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। और भाई की गाड़ी तो भाई अल्टीमेट लग रही है। मतलब यार K10 मैंने नार्डो ग्रे तो यार वैसे नहीं देखी थी, मतलब फेस टू फेस तो नहीं देखी थी और ना अभी तक भाई सोशल मीडिया पर देखी थी। तो भाई की आप पहली बार देख रहे हैं और नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना बिल्कुल। और ये पीछे ये देखो भाई, ये भी फुल अल्टीमेट है, इसका व्लॉग आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो ये है भाई की अल्टो K10 रहने वाली है। तो भाई कौन सा क्या मॉडल वगैरह है, क्या वेरिएंट है? 2019 है। और वेरिएंट भाई VXI। VXI मतलब टॉप आता था जो। हाँ इसमें शायद VXI अपना टॉप आता था। और ये ऑटोमेटिक है ना, ये ऑटोमेटिक रहने वाली है। तो ये है कुछ फ्रंट से भाई, ये कुछ इस तरीके की। तो भाई जो भी मेरे पास मतलब अल्टो लाता है ना शूट करना, तो मैं उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि भाई अल्टो कौन सी वाली आपको बढ़िया लगती है, ये मॉडल या अल्टो 800 या अल्टो जो अपनी वाली है वो, या कैसे? तो सबसे पहले वाली बेस्ट थी भाई। सबसे पहले वाली तो देखो भाई वो बेस्ट थी। और ये देखो मतलब देखो दोनों साथ में खड़ी हैं, एक वो हो गई और एक ये हो गई। तो इसका लुक जो है ये थोड़ा सा मतलब कि ऊपर से चौड़ी सी और लंबी, वो चौड़ी है थोड़ी बल्की बल्की सी है ना। तो ये है भाई की अल्टो K10। तो भाई अगर बात करें तो फ्रंट से ये कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले इसका नंबर देखो भाई, ये कार आपने इसमें लिखवाया हुआ है या कैसे? ये नंबर प्लेट में से ही आया है। अच्छा नंबर यही था ना। अच्छा अच्छा ये गेम है, ये DL9C। भाई ने सी बड़ा कर दिया फिर AR होगा तो वो ऐसे हो गया है ना। तो ये सारा सेटअप रहने वाला, जब मैं आ रहा ना तो भाई मैंने सोचा भाई ये क्या नंबर है, भाई ने अलग से लिखवा रखा है कार, ये कैसे ऐसी आया है। तो अब बात कर लेते हैं इसका ओरिजिनल कलर कौन सा भाई गाड़ी भाई का? सिल्वर है और भाई ने नार्डो ग्रे कराया है। तो जब आप करवाने गए थे तो मतलब क्या सोचा था कौन सा कलर करवाना था? मैंने यही सोचा था क्योंकि अब तक किसी ने कराया नहीं है दिल्ली में पूरी। अच्छा मतलब नार्डो ग्रे अपना है अल्टो पे, तो भाई मैंने अब तक कोई रैप देखा ही नहीं है ज्यादातर, ये तो भाई बिल्कुल ही नहीं कराया। और बिल्कुल तो भाई ने सोचा नार्डो ग्रे कराते हैं ना। तो नार्डो ग्रे अपनी ये रहने वाली है, आप देख सकते हो फुल अल्टीमेट लग रही है। तो क्या खर्चा आ गया भाई इसका रैप में? 15,000 रुपए में भाई की गाड़ी हो गई रैप बढ़िया है ना। ओके रिपोर्ट बिल्कुल। तो अभी कितने दिन हो चुके हैं इसको रैप को चलाते हुए? 2-3 हफ्ते हो गए भाई। 2-3 हफ्ते हो गए हैं तो बढ़िया मजा आ रहा है रैप में? भाई पूरा। अब तो पब्लिक के रिएक्शन भी कुछ अलग आते होंगे ना भाई। अभी हमारे देना लोकेशन में भाई मतलब बड़े से बड़े छोटे छोटे बच्चे भी मुड़ मुड़ के देख रहे थे भाई ये गाड़ी है कैसे कलर की है ना। अब बात करते हैं फ्रंट से, हेडलाइट में भाई क्या क्या लगा हुआ ये बता दो भाई। 175 वोल्ट LED लगवा रहा है। अच्छा और नीचे अपने आई पैच है तो इसमें LED है HID नीचे? LED रहने वाली है। तो इसका क्या खर्चा पड़ गया था अपना? 15,000 रुपये ये इसका खर्चा। आगे से भाई ने सारा चीज डी क्रोम कराई है, ये शायद अपनी क्रोम रहती है ना भाई? भाई ये रैप करा रखी है। अच्छा ये डी क्रोम हो चुका है एक तरीके से, मतलब अगर माना जाए लाइट भी अंदर से करवाई थी। अच्छा लाइट भी अपनी। हाँ 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 ये देखो ये सिल्वर पार्ट है अपना भाई।
तो ये मतलब जो उसकी जो शेड आया वो बढ़िया है। जब रैप करा रहे थे जब ही कराई ये सारी चीजें? जब ही कराई ये सारी चीजें। अच्छा, तो फ्रंट से ये कुछ इस तरीके की है, और साइड लुक अगर दिखाऊं तो भाई बहुत ही प्यारी लग रही है स्टिकरिंग वगैरह होके। फ्रंट वाले की शायद हट गई है, कैसे भाई? भाई वो ऋषिकेश घूमने गया था, टायर फट गया था मेरे आगे वाला। अच्छा, तो मतलब नाड़ू करे इसको आप ऋषिकेश लेके चले गए? हाँ भाई ऐसे ही जैसे है। तो भाई पब्लिक या पुलिस वाले कुछ? भाई पुलिस वाले तो क्या ही, एक जगह रोक लिया था। अच्छा, और भाई पब्लिक तो वीडियो बना रहा है, कोई पूछ रही है कि पब्लिक को लगता है कि ये पेंट करा रखी है, मैंने रैप नहीं है। हाँ हाँ, बंदा पूछता है कि पेंट कहाँ से कराया, कहाँ से कराया, ये तो है। तो भाई मतलब जब पुलिस वाले ने पकड़ा था क्या रिएक्शन था पुलिस वालों का? भाई वो बस ये कह रहा है करा क्या रखा है। हाँ, कि ये कलर कौन कह रहा भाई, आगे से पीछे तक पूरी काली, नंबर प्लेट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर भाई तो चलान वगैरह कितने का क्या बताया उसने? भाई वो तो 24,500 का काट रहा था भाई, 24,500 का भाई चलान। तो भाई देखो इस तरीके से सारी चीजें, देखो भाई ये रिकमेंडेड कुछ नहीं है, भाई ने शौक के चक्कर में अपनी सारी चीजें कराई हुई है, टिंट वगैरह भी है ना, और वीडियो में जो लुक आए इसलिए ये सारी चीजें कराई हुई है। अब आते हैं मेन चीज अलॉय व्हील्स के ऊपर। तो इसका अगर टायर साइज की बात करूँ तो भाई ये है अपना 155 है भाई, ये 155/65R14 14 इंच के भाई ये अलॉय व्हील्स हैं। तो भाई ये कितने के क्या पड़े थे आपको? भाई 38-40 के बीच में पड़ गए थे, 38,000 से 40,000 के आसपास के अपने पड़े थे। स्टिकरिंग लगी हुई है भाई, क्योंकि ये चाइनीज टायर नहीं, अपोलो के टायर डलवा, अपोलो के टायर है ना इसके अंदर। तो भाई एवरेज वगैरह क्या दे रही है, जैसे कि ऑटोमेटिक कुछ की दे देती है हाईवे पे 15 के एवरेज निकाल देती है अपना। तो अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से भाई ये टच वगैरह भी होती है कहीं? कैसे नहीं भाई, टच तो नहीं होती, जैसे ज्यादा पीछे बंदे वैसे तो बैठते नहीं है, पर बैठ जाते हैं तो थोड़ा बहुत होता है ना। अच्छा अच्छा, तो ये है। अब आते हैं पीछे की तरफ, भाई ने पीछे अपना स्पोरियल लगाया हुआ है। तो ये बाहर से लगवाया भाई आता है इसमें? बाहर से लगवाया था, कंपनी वाले भी देते हैं पर मैंने बाहर से लगवाया था। अच्छा, बाहर से रहने वाला है। पीछे से सारी बैजिंग वगैरह सब चीज क्रोम करवा रखी है। अच्छा, ये डी क्रोम होगा, ये भी अपना शायद नाड़ो ग्रिल करवा दिया ना, ये ब्लैक है, ब्लैक है। तो ये देखो भाई इस तरीके से पूरी गाड़ी की लुक आ रही है ओवरऑल। अब आते हैं अंदर की तरफ, एक बार भाई अंदर आ जाओ दूसरी तरफ से। तो अगर मैं अंदर से दिखाऊं आप सभी को तो भाई अंदर से कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ये देखो भाई इस तरीके से इसका इंटीरियर है पूरी कार का, ये ऑटोमेटिक रहने वाली है। तो भाई ऑटोमेटिक में ये क्या क्या मोड है एक बार थोड़ा सा बताओ। ये रिवर्स, ये न्यूट्रल, ये ड्राइव, और भाई ये मैनुअल में चलानी है तो प्लस माइनस गियर। अच्छा, तो मतलब कि उसमें बढ़िया चलती है ये अपनी? भाई ओके चलती है बिल्कुल। अच्छा, तो भाई आपको मतलब कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने मजा आता है मैनुअल में? भाई ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक है ना, कोई झंझट नहीं होता ना, ये आराम से बैठ के चलाओ भाई। भाई ये तो है, मतलब हाईवे पे तो फुल मजा आता होगा ना भाई। तो भाई ये है पूरी अंदर से गाड़ी। अगर बूफर वगैरह की बात करें तो बूफर में क्या है भाई? आगे इन्फिनिटी वे कंपोनेंट डलवा रखे है। हाँ, और भाई पीछे JBL के ओवल, पीछे JBL के ओवल हो गया ना, और भाई वो एम्प डलवा रखा है 4 चैनल। हाँ, और एक पायनियर का बूफर रहने वाला है। पाइनर अपना JBL है भाई, JBL, और JBL भाई डैम्पिंग करवा रखी है पूरी गाड़ी में, और पूरी गाड़ी अपनी डैम्प रहने वाली है। तो ये है भाई कुछ इस तरीके। अब आपको ना आउटपुट वगैरह सुनाने वाले किस तरीके क्या आने वाला है, तो अपना सॉन्ग प्ले कर देते हैं अब। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ना बहुत ही बढ़िया बज रहा है ना। हाँ भाई, तो भाई ये कुछ सेटअप रहने वाला है, ये अपना स्टीरियो हो गया बाहर से जो लगवाया हुआ है, और भाई ने अभी फोग लैम्प जलाया, तो ये अपने भाई लेजर रहने वाले है ना। हाँ भाई, एक बार भाई रोड पे सीधी खड़ी करना इसको एक बार, तो इसका ना वो देखेंगे कि कितनी दूर तक जा रही है रेंज इसकी। तो ये हो गया, और अभी तो भाई दिन भी निकल रहा है, तो भाई इस तरीके से ये इसका फोकस है। हाई लो बीम होते हैं भाई? भाई एक ही चलते हैं, एक ही है। तो भाई ये इस तरीके से रहने वाला है, और ये बेसिकली जो होते हैं ना भाई, ये अपने ऑफ रोडिंग के लिए यूज होते हैं वैसे तो, है ना। तो भाई ये मतलब कैसे ऐसे मजे मजे में लगवा लिया है कैसे? भाई नहीं अच्छे लगते, लुक आते हैं ना गाड़ी की चलते वक्त पूरी, जब चलते हुए आते तो ऐसे एक लेयर दिखती है ना, लेयर जाती है भाई इनकी दोनों की। तो भाई ये है, तो हमने टोटल ओवरऑल भाई हमने सारी चीजें दिखा दी। हाँ भाई, अब ये बताओ पूरी गाड़ी में भाई कितना खर्च कर दोगे पैसा? भाई 90 से 1 लाख रुपए तक सब खर्च किया भाई, 90 से 1 लाख रुपए के आसपास पूरा खर्च करा हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। तो भाई अपना इंस्टाग्राम किस नाम से रहने वाला है? वासु यादव 07 के नाम से मिलने वाला है। तो जाके भाई को फॉलो करो, हमें फॉलो करो, बड़ी बड़ी डिटेल्स आपको देखने मिल जाएगी। तो भाई थोड़ा सा नया सपोर्ट दिखाओ इस वाले चैनल पे थोड़ा खींच के। आप वीडियोस वगैरह नहीं देख रहे हो तो इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आप सभी के लिए ला रहे हैं। और भाई हम बहुत ही जल्द ना भाई हम पंजाब आ रहे हैं, किसी भाई को अगर शूट वगैरह करवाना हो तो भाई मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, शूट वगैरह सब फ्री होते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं जल्दी ना शूट के साथ।